वेलकम। तो आज हमें करनी थी वीविंग, ताने और बाने के साथ। लेकिन लूम तो कोई था नहीं हमारे पास, ना हैंड लूम, ना टेबल लूम, ना कोई और लूम। तो स्क्रीन का जो फ्रेम था, हमने उस पे छोटी छोटी नेल्स लगाकर उस पे ताना चढ़ाने की कोशिश की। धागा हमने इस्तेमाल किया, जो रजाई और गद्दे सीने वाले धागे होते हैं या टाई एंड डाई के लिए जो हम यूज़ करते हैं, उसका हमने वॉब बनाया। और इसको बहुत ढीला नहीं छोड़ना है, थोड़ा टाइट ही रखना होता है। तो इस तरह से हमने एक फ्रेम के ऊपर ताना तैयार किया। और बाना हमने बनाने की सोची, जो हमारे पास टाई एंड डाई के बाद जो बच जाते थे जूट के या कोई भी धागों के टुकड़े, वो हम संभाल लेते थे। ये टाई एंड डाई में इस्तेमाल किए हुए जूट के धागे यानी कि सुतली के पीसेस हैं, अलग अलग रंगों के। तो हमने इसी से अपने वेफ्ट का काम लेना शुरू किया। और फिर वन अप वन डाउन करते हुए उसको वीव कर लिया। इसमें कभी कभी हम अल्टरनेट वॉब को एक मेटल स्केल से अलग कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है फिर वेफ्ट को डालना। और फिर जब अवंतिका और आकांक्षा ने वीव करना शुरू किया, बहुत जल्दी जल्दी वो प्रोजेक्ट बढ़ता चला गया। जहाँ जॉइंट है वहाँ पे एक वेफ्ट को कॉमन लेके तब वापस अपनी लाइन में रिटर्न करते हैं। ये बात समझ ली इन लोगों ने और फिर बनाते चले गए। प्रोजेक्ट तो आशीष का था वैसे। हाँ, उसने भी काम किया, काफी काम किया। और जो धागे वहां पे वेस्ट पड़े थे कई सालों से, सब यूज हुए। फिर आशीष ने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर ही लिया। और ये तो सृष्टि का है, ये भी बहुत अच्छा बना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।